हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जो आपने टाइटल पढ़ा था ना कि कमज़ोर दिल वाले ना देखे, ये बात हकीकत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये वार्निंग है मेरी कि अगर आपका कमज़ोर दिल है ना तो इस वीडियो को आप यहीं से स्किप करके चले जाओ, पीछे को लौट जाओ, इस वाली वीडियो को आगे मत देखना। अगर हाँ आपका दिल सही है, आप देख सकते हो, ऐसी वीडियो देखते हो तो देख लो। तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंजर सीन आने वाले हैं, बहुत खतरनाक सीन आने वाले हैं। तो इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो मत देखो। तो गाइस बता दूं मैं क्या है कि हमारे गांव में, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप पुराने हो, मेरी वीडियोस देखते हो, व्लॉग देखते हो मेरे, तो आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन आप अगर नए हो इस यूट्यूब चैनल पर मेरे इस व्लॉग में, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि हमारे गाँव में एक खेल चला है, साइकिल वाला खेल बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि 7 दिनों के लिए उसने वो खेल चलाया है। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, मैं आई बटन में दे दूंगा, और आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके वीडियोस में देख सकते हो कि किस तरीके के वो खेल करते हैं। वो अजीब अजीब तरीके के खेल करते हैं, कभी यार अपने बॉडी को काटते हैं, कभी सिर पर बोतल फोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं अजीब अजीब सा, कभी जीभ के अंदर से सूंघा निकालते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके से डेंजर से खेल करते हैं। तो अभी जो पिछला मेरा व्लॉग था उसमें आपने देखा होगा कि एक बंदे को 24 घंटे के लिए एक गड्ढे के अंदर दाब दिया था। तो क्या होने वाला है, आज उस बंदे को बाहर निकालेंगे, आज उस बंदे को 24 घंटे हो गए बिना कुछ खाए पिए। तो थोड़ा बहुत खेल करेंगे, कुछ झांकी वगैरह निकालेंगे, और उसके बाद उस बंदे को बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि उसकी हालत कैसी हो गई होगी। 24 घंटे तक उस बंदे ने ना तो कुछ खाया है, ना पिया है, ना बाहर निकाला है, उसको बंद करके रख दिया है। तो अभी वो आज वो निकलेगा, तो अभी थोड़ी बहुत देर बाद हम चलेंगे, शाम को 7:30 बजे के करीब स्टार्ट हो जाता है। और अगर गाइस इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, व्लॉग अगर पसंद आए तो एंड में इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल भी बाद में ही सब्सक्राइब कर देना, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक प्यार कमेंट भी कर देना बाद में। तो गाइस अभी चल के वो देखते हैं कि समाधि कैसी बनी हुई है। ठीक गाइस, इसी समाधि के अंदर है जो रात बंद कर देते हो भैया, आज रात को उन्हें निकालेंगे। और ये सब गाँव वाले दे गए हैं साड़ी कपड़े वगैरह, और अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद इन रोडों को रात को फोड़ेंगे। फोड़ेंगे इनका क्या करेंगे पता नहीं, क्या करेंगे। देखो जैसे समाधि बनती है ना, बिल्कुल कवर सी ऐसा बना दिया। देखो आज निकालेंगे, शाम को देखेंगे क्या होता है। A few hours later.
चले गए खाते गर्म करे आराम के साथ ले मैं। मैंने कहा भाई एक मिनट है लेट करो आराम से मेरे को प्यार से। आम सभी के सामने आपका लाभार्थ को निकाला जाएगा। ये भाव लाइक कर रखो पहले एक बार सभी जयकारा लगाएंगे बोलो साक्षी दरबार की आपके प्यार की हम सभी के उस्ताद की गांव खेड़े की। भाई साहब भैया थोड़ी सी हेल्प करवा दियो ए बोरी उठवानी भैया चले ये एक बार उठवा दियो आराम के साथ चले भाई बाहर कौन कौन पकड़े बैठे। आप सभी के सामने एक भैया यार हो जाओ यार अरे भैया हो जाओ यार बाहर को जाओ थोड़े से यार ये तो कोई बात नहीं हुई भैया करवा दो इन्हें पीछे करवा दो ये चार पाई लगा इधर लगा चार पाई मिला के देखो अभी रिवर काटने के लिए बुला रहे थे सब खड़े हुए देख रहे थे आप कलाकार को निकाल रहे हैं कैसे आ रहे हैं बराबर थोड़ा बात को समझे करे भाई साहब चलेंगे भैया क्या हुआ भाई साहब पकड़वाओ बोरी पकड़वाओ ऊपर को उठा लो भैया उठा लो वाह भैया आराम से उठा आराम से प्यार से बिल्कुल प्यार से इसे चार पाई पे ले जाना मैं पट्टा ढंग लियो हवा न लगे। आप सभी के सामने बड़ी मुश्किल से कलाकार को वहां आ चुके हैं मीडिया वाले आपके साथ आज तक अमर उजाला सारे मीडिया वाले ही हैं हो जाएंगे भाई साहब थोड़ा थोड़ा अब देखेंगे कलाकार को निकलता है ये गांठ खोलो जल्दी करो भाई साहब इसके अंदर गर्मी है या सर्दी है बता रहे एक बार गर्मी है ना अभी देखो एक मिनट में क्या हालत हो गई भाई साहब की। अब भाई साहब हाथ छुड़वा लो प्यार पकड़वा लो अब तो हो जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे वो बच्चे हो जाओ भाई साहब बताओ यूनिट के दौर से आए हैं सभी माता बहन सभी नौजवान साथी अगर यहाँ के हमारे बड़े बड़े भैया ही व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा यहाँ पर सभी भाई साहब से कहना पीछे बताए सभी आराम के साथ टाइम पास आराम से ऐसे खेच रहे जैसे कोई इसका रहम ही नहीं है आराम से कपड़ा ढलते एक बार आप थोड़ा पीछे को पैदा हो गया हवा तो लगन दो सर किसी हाथ जुड़वा लो प्यार पकड़वा लो हमारे माँ बाप हमारे बहन भाई सबसे कहना हो जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ पहले उसे तो देख लो। आप सभी के सामने अब कलाकार को होश में लाया जाएगा सभी कलाकार को होश में भी आता हुआ देखेंगे पहले थोड़ा थोड़ा सभी भाई साहब पीछे पीछे हो जाओ पता को 50 रुपए भी डालेगा उसे भी निकालने दे रहे कलाकार को होश में लाया जाएगा कपड़ा ढकते कलाकार को कलाकार के हाथ पे छोड़ दे अभी देखेंगे कौन कौन भाई साहब अंदर आएगा कौन कौन भाई साहब कलाकार को इनाम देगा या नहीं देगा अब पता लगेगा इसे ढक दो ये भाव टाइप तरफ डाल दो। आप सभी के सामने देखेंगे मेरे दोस्तों आप सभी के सामने कलाकार को एक राउंड एक चक्कर भी लगाया जाएगा सभी देखेंगे सभी देखेंगे डालते हैं कपड़ा डालते ऊपर से। आप सभी के सामने कलाकार को निकाल देगा ये तो शर्ती है भाई साहब ये तो शर्ती है शर्ती में तो कोई नहीं भाई साहब इसके अंदर रह सकता है लेकिन मेरे दोस्तों एक कर्मी के अंदर कलाकार कैसे अपना टाइम काटता है आप सभी जानते हैं थोड़ा भाई साहब पीछे पीछे हो जाओ सही भाई साहब से कहना है जरा बैठाओ साइकिल में बैठाओ। आप सभी के सामने देखेंगे कलाकार का क्या हाल हो चुका है थोड़ा पानी पिलवाए कलाकार को थोड़ा थोड़ा सही भाई साहब पीछे पीछे हो जाएंगे मिला है बहुत
आपको एक मिनट रुक, या जो भी कलाकार की मेहनत कलाकार का नसीब मुकद्दर है वो कलाकार को सभी भाई साहब इनाम जरूर देते रहेंगे। भाई साहब ये कलाकार आप लोग के बीच घूम रहा है, सभी को इनाम पुरस्कार देना है, कलाकार का मान सम्मान करना है। थोड़े में से थोड़ा, थोड़े में से थोड़ा, 24 घंटे के बाद कलाकार आया है। सभी भाई साहब अगर 70 रुपए देंगे तो कलाकार